मुंगेर के नया रामनगर थाना क्षेत्र में देर शाम शराब के साथ पकड़ी गई महिला तस्कर थाना से चकमा देकर फरार हो गई। फरार होने के बाद थानेदार से लेकर पूरे महकमे में खलबली मच गई। पुलिस कप्तान जग्गुनाथ रेड्डी जला रेड्डी ने दो महिला आरक्षी को निलंबित कर दिया है। महिला की गिरफ्तारी के लिए कई जगहों पर छापेमारी की गई, पुलिस को कोई सफलता हाथ नहीं लगी। दरअसल देर शाम नया रामनगर पुलिस ने छापेमारी कर पाटम रेलवे हाट के पास से शराब के साथ एक महिला समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया, लेकिन महिला तस्कर किसी तरह थाने से फरार हो गई। शराब के साथ तीन लोगों को पकड़ा गया, तो उसमें भी एक महिला थी, रात में थाने से फरार हो गई। तो थाना अध्यक्ष को निर्देश दिया गया कि जो प्राथमिकी दर्ज करते हुए और कार्रवाई करने के लिए, और जो दोषी पदाधिकारी जो दोषी कर्मी उनकी रिपोर्ट देने के लिए बोले हैं, अगर उसके उनका रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई हो जाए। मुंगेर एसपी ने कहा कि थाना प्रभारी से रिपोर्ट मांगी गई है और जिस महिला कर्मी की निगरानी में महिला को रखा गया था, उन दोनों महिला पुलिस कर्मियों को निलंबित करने की कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल महिला की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। पंजाब केसरी टीवी के लिए मुंगेर से इम्तियाज की रिपोर्ट।